हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी जी पाई स्वागतिका चैनल को। तो देख पे आम ओस्तार सप्तम श्रेणी एमआईएल क्वेश्चन ओडिया क्वेश्चन आम डिस्कसन करते आम तार क्वेश्चन सहित आंसर डिस्कसन करवा। जो मैंने चैनल नुआ अच जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दि, निज फ्रेंड मान सहित पे सेयार कर, आज जदि भिडियो भल लगे निश्चित भाव में लाइक कर। आउ समस्ते पिलाने जो मैंने टेलीग्राम रे जॉइन होइन जल्दी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जाओ, तो पिलाने मैं कमेंट बॉक्स रे पिन कर देबी, ठीक अछि। आ पिलाने तुम्हें कोठारो देखु निश्चित भाव में तुम जिलार नाटा कमेंट कर। तो पिलाने चलो एबे आमे स्टार्ट करिबा। तो फास्ट देख पिलाने तुम्हारो फास्ट रे गोटे पैसेज रही, ठीक अछि। तो ए पैसेज रो पैसेज टी को पढ़िबा, पढ़िके जहाँ भी क्वेश्चन तुम थी से क्वेश्चन आंसर देव। तापर देखिबा हमर कोन क्वेश्चन रही। देख पे मैंने फास्ट क्वेश्चन रही, श्रीकृष्ण को क्यों खाद्य रुचुन थिला। पिला मैंने श्रीकृष्ण को क्यों खाद्य रुचुन थिला, सर लवणी गोटिका एगुड़ा सब लिखिद। नेक्स्ट रही, दशरथंकर कनिष्ठ राणी पुत्रर नाम कौन। पिला मैंने दशरथंकर कनिष्ठ राणी सुमित्रा, सुमित्रा पुत्र किए लक्ष्मण आउ शत्रुघ्न, लक्ष्मण शत्रुघ्न। नेक्स्ट रही, लाल बत्ती आमको क्यों सूचना दिए। पिला मैंने लाल बत्ती जो कौन हम गाड़ी रहिब। महर्षि बाजश्रवा क्यों यज्ञ करते। पिला मैंने महर्षि बाजश्रवा कौ यज्ञ करते, विश्वजित यज्ञ करते, विश्वजित, ठीक अच्छे। एबे चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख पे रही, क्यों मैंने जंगल में मातुछंती बोली माता जशोदा कहते, कौ मैने राक्षस मैने आंसर हो तुम राक्षस। तापर चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय मानकु कहा सह तुलना करछंती इंग्रेज माने। पिला माने इंग्रेज माने भारतीय मानकु कहा सह तुलना करछंती, एटा तुम्हें माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर। देखिना केते दिन खंडगिरी कवि किए। पिला माने कवि किए देखिना केते दिन खंडगिरी रो कवि होछंती गोपबंधु दास, लिखि दबो गोपबंधु दास। एबे चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख पिला माने रही, रमा देवी माँ का नाम कौन। पिला माने एडा तुम्हें बुक रु लिखिद। नेक्स्ट देख पिला माने नेक्स्ट कौन दे, चारोटी वाक्य लिख, रावण को दुर्मति कहिबार कारण कौन। पिला माने रावण को कहीं दुर्मति कह जा, कारण से सीता को चोरी कर नहीं थे हरण कर नहीं थे जिते बड़े राम लक्ष्मण उपस्थित न थे। तो पिला माने आमे प्रीवियस रे मध्य आंसर बोध हुए छाड़ी थी, तुम्हें माने जदि सेटा देखि थिबो तो देखि नेबो। तो चारिटा वाक्य रे पिला माने एडा उत्तर लिखिबो। तापर नेक्स्ट रही, सड़क दुर्घटना रे आमर कौन क्षति हुए। पिला माने सड़क दुर्घटना हेले कौन हबो, आमर धन जीवन क्षति हुए, आमे मृत्यु मुखरे मध्य पड़ु, एवं आमर दुर्घटना हेबा सहित अन्य लोकर मध्य आम सहित दुर्घटना होता है। तो आम आम जीवन को मृत्यु में पकड़ सहित अन्य लोकर जीवन मृत्यु मुखर पकई था। देख पे तुम गोटे दरखास्त दे, आम ग्राम से दुईट नलकूप अच्छी आउ एक नलकूप खनन विडीओ निकट को दरखास्त। तो पे दरखास्त तुम लिखा जाच, माननीय तुम जो एरिया होडीओ लिखिदेव, तापर लिख विषयटा लिख, आउ एक नलकूप खनन पर लिख, महाशय निवेदन अभिप्राय कि आंभे पे तुम जो ग्राम हो गाँव ना लिख, आम यही ग्राम ग्रामवासी वृंद अटु। आम ग्राम से दुईट नलकूप अच्छी किंतु आम ग्राम लोक संख्या हूँ 2000 रु अधिक, एवं से गोटे नलकूप खन खराब हो जाए, तो लोक मान बहु असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ी ता तल को लिखिदेव। एणु विनीत अनुरोध करूँ कि आपण दया परवशतः आउ एक नलकूप खनन मंजूर प्रदान कले आम आप निकट में चिरपकृत रहबो। इति आपणकर विश्वस्त तुम गाँवर लिखिदेव ग्रामवासी वृंद। तापर पे चार पांच जन ना लिखिदेव, तापर एपटे कौपट लिख, एपटे राइट साइड रे लिख, लेफ्ट साइड रे कौन लिख, गाँवर ना लिख आउ डेट देदेव, ठीक अच्छे। एबे चलो देखिबा नेक्स्ट कौन रही। पिला देख दे वाक्य गठन कर, पुनरुद्धार ममतुंड, पुनरुद्धार लगे गोटे वाक्य लिख, ममतुंड लगे गोटे वाक्य गठन कर। तापर रही देख कौन, लिंग परिवर्तन कर, वृद्ध पे वृद्धर कौन हम वृद्धा हो वृद्धा। आ गोटे कौन अच्छी, साधक अच्छे साधकर
साधिका। तापर देख कौन रही प्रतिशब्द लेख पिले मैंने प्रतिशब्द मान प्रतिशब्द कौन दे भास्कर भास्कर कौन हो रवि हम तपन हम सूर्य हम ठीक अच्छे हिया हिया प्रतिशब्द कौन हम हृदय हम आउ छाती हम एबे चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख पिला मैंने विपरीत शब्द दे उदय उदयर अस्त तापर देख कौन दे क्षुद्र क्षुद्रर बृहत लिखिद बृहत तापर देख कौन रही तापर देख पिला मैंने अर्थ ए जो सत दंतेश सत ताने कौन सत्य बा सत आउ गोटे सत मान कौन शहे ए सतर मान हूँ शहे। तापर क्वेश्चन देख कौन दे संधि विच्छेद कर कौन रही विद्यालय पिला मैंने विद्यालय संधि विच्छेद कले कौन हम विद्या युक्त आलय विद्यालय है। एबे चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन निर्भय निर्भय पिला मैंने संधि विच्छेद कले कौन हम निहि युक्त भय निर्भय तापर देख कौन रही पुरुष भेदरे प्रकाश कर तो पिला मैंने देख सेटा को पुरुष एटा हूँ तृतीय पुरुष तापर रही मुटा पिला मैंने प्रथम पुरुष प्रथम तापर तुम्हें तुम्हें हूँ द्वितीय पुरुष लिखिदेव द्वितीय पुरुष तापर देख कौन रही सुख दुख पर आउ एक शब्द पिला मैंने देख भल मंद धनी गरीब ए टाइप्र लिखिदेव। एबे चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही नेक्स्ट देख पिला मैंने सरलार्थ दे नेलु ना कहीं तोकठा छता बने कंटा लगे हुए मृदुपाद चिंता तो सरलार्थ तुम मैंने लिखिदेव देख नेलु डट दे कि लास्ट लिखिदेव चिंता तापर पिला मैंने स्टार्ट कर उक्त पद्यांशटी कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारंक रचित विदग्ध चिंतामणि काव्यर अंशविशेष कलामाणिक कवितारु आनीत उक्त प्रसंगरे कवि श्रीकृष्णंकर गोष्ठ बाहुडारे विलंब देखि माता जशोदांकर व्यस्तता आशंका ओ उद्वेगर वर्णना करिछन्ति पिला माने एतिक लेखिलो तापर स्टार्ट करिबो तापर देख पिला माने एड़ी सरला तापर एठु तुम्हें माने स्टार्ट करिबो। देख पिला माने कौन लिखिब श्रीकृष्ण प्रतिदिन गोचारण रे वन को जाती और संध्या पूर्वर घर को फेरती आकस्मिक भाव दिने फेरवा विलंब हो तेणु जशोदांकर मनरे बहु आशंका देखाई से दिन से संगरे कठो और छता ने भूली जाइंट तेणु जशोदा भाई हुए तो बणरे कोमल पादर कंटा फुटी श्रीकृष्ण बहु कष्ट नरम पादर रक्त बो से दुर्बल हो पड़े मध्याह्नर प्रखर सूर्यकिरण देहर झाड़ बोथ्व किंवा क्लांत हो से कौनसी वृक्ष छायार विश्राम नहीं तजनित कारण हुए तो से फेरबार विलंब करपरि नाना भावना और आशंका मन को आसवर से दुखने भांगि पड़ते प्रसंगटी जशोदा बात्सल्य स्नेह प्रशंसन पाने देख सरलार्थ हो तुम गोटेक पांच मार्क लेखाएं तो तुम एटा गोटे आ गोटे अरे गोटे रही थी पद्यटा आ पाने गद्यर मत दीटा तो ये चलो देखा गद्यर कौन क्वेश्चन रही गद्यर देख पाने रही नचिकेता मनरे शुभ बुद्धि उदित है तेल कौन देख नचिकेता डट दे कि उदित है। चलो स्टार्ट करवा उक्त गद्यांशटी मृत्यु विजयी बालक शीर्षक प्रबंधर आनीत एठारे लेखक श्री चिंतामणि बेहरा बालक नचिकेतांकर प्रत्युत्पन्न मर्तिता उपर गुरुत्व आरोप करिछन्ति विश्वजित यज्ञर फलप्राप्ति पाई यज्ञकर्ता निजर सर्वस्व दान करिबा विधेय महर्षि बाजश्रवा सेथिनिमित्त अतिथि अभ्यागतंकर अर्चना करि आपणार भूमि धेनु ओ सुवर्ण प्रभृति दान कले ओ आशीर्वाद कामना कले यज्ञर शेष समय रे पिता केतक रुग्ण गाभी अतिथि मानंकु दान करूथिबा लक्ष्य करी मर्माहत हेले यज्ञर शेष समय रे से लक्ष्य कले जे तांकर पिता स्नेहर वशवर्ती होई तांकु कहारी को दान करनाहंदे तेणु तत्क्षणात से पिता को प्रश्न पचारले जे तांकु पिता काहा को दान करछंती
ପୁତ୍ରର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିତା ନୀରବ ରହିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନଚିକେତା ବାରମ୍ବାର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଜଶ୍ରବା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଯମଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ ନଚିକେତା ଯଥା ସମୟରେ ଯମପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ମହର୍ଷି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ତାହା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାରୁ ନଚିକେତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରି ବିଜ୍ଞ ପିତାଙ୍କ ମୁଖରେ ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚିକେତା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥିଲେ ବାଜଶ୍ରବା ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞର ସୁଫଳ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ଅବମାନନା କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ନଚିକେତା ପିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖିପାରିବ, ଏଇଟା ତୁମର 5 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର 2ଟି ରଚନା ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ ରଥଯାତ୍ରା, ତ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଇଜି ଲାଗିବ ତୁମେ ଲେଖିବ, ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ଉପକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ରବଲବ ଭୂଷଣରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିହାର କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକିଏ ସର୍ଟରେ ଟିକିଏ ଲେଖିଦେଇପାରିବ, ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ଏଇ କବିତାଟା ଯଦି କିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଲେଖିଦେବ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ସରି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଆସଇ ବର୍ଷାକାଳ ନିଧାଗ ଶେଷେ ଘୋଟଇ ମେଘମାଳ ଆକାଶ ଦେଶେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁର ସମୟ ଆଉ ପ୍ରଭାବ ଲେଖିବା। ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଲେଖିଦେବ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି 4 ମାସକୁ ଚତୁର୍ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖିଦେବ, କାରଣ ତୁମର ସ୍ପେସ୍ ଟିକିଏ କମ୍ ରହିଥିବ ନା। ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାର ସ୍ପର୍ଶରେ ବୃକ୍ଷରାଜି ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଉଠେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେତୁ ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଉଠେ। ଜୁଇ ଯାଇ କେତକୀ ମାଳତୀ ଟଗର ଫୁଲର ମହକରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକି ଉଠେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବଗିଚା ଭରି ଉଠେ। ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି କାକୁଡ଼ି କଖାରୁ ପାଣି କଖାରୁ ଆଦି ଏହି ଋତୁର ପ୍ରଧାନ ପନିପରିବା। ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ ଛତୁ ଫୁଟି ପଡ଼ିଆର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ। ତାପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରଥଯାତ୍ରା, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ପ୍ରଭୃତି ପର୍ବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଋତୁ ତୁଳନାରେ ଏହି ଋତୁରେ ଅଧିକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଶେଷ କଥା, ବର୍ଷା ଋତୁ ଶ୍ୟାମଳିମାର ଋତୁ, ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମଣିଷର ପରମମିତ୍ର ଅଟେ। ଋତୁଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବର୍ଷା ଋତୁ ଅବତରଣ କରେ। ଶରତ ଦଶଭୁଜଙ୍କର ଆଗମନୀ ଶଙ୍ଖନାଦ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଏସେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।